किताबे रोशन की आयतें हैं पैगम्बर सल वसलम शायद तुम इस रंज से के ये लोग ईमान नहीं लाते अपने कई हलाक कर दोगे अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से निशानी उतार दें फिर उनकी गर्दने उसके आगे झुक जाए और उनके पास खुदाए रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं तो ये तो झुटला चुके अब उनको उस चीज की हकीकत मालूम होगी जिसकी हंसी उड़ाते थे क्या उन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा कि हमने इसमें हर किस्म की कितनी नफीस चीजें उगाई हैं कुटक नहीं कि इसमें कुदरत खुदा की निशानी है मगर ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं और तुम्हारा परवरदिगार गालिब और मेहरबान है और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जाओ ये फिराउन के फिर क्या ये डरते नहीं उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार मैं डरता हूं कि ये मुझे झूठा समझे और मेरा दिल तंग होता है और मेरी जबान रुकती है तू हारून को हुक्म भेज कि मेरे साथ चले और उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह यानी के खून का दावा भी है सो मुझे ये भी डर है कि मुझको मार ही डालें हरगिज नहीं तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं दोनों फिराउन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहान के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दें फिर ने मूसा से कहा क्या हमने तुमको के अभी बच्चे थे परवरिश नहीं किया और तुमने बरसों हमारे यहाँ उम्र बसर नहीं की और तुमने एक और काम किया था जो किया तुम ना शुक्र मालूम होते हो। मैंने कहा कि हाँ वो हरकत मुझसे नागहा सरजद हुई थी और मैं खताकारों में था तो मुझे तुमसे डर लगा तो तुम में से भाग गया फिर खुदा ने मुझको इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है फिरने कहा कि तमाम जहान का मालिक क्या कहा कि आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो फिरउन ने अपने अहाली मवाली से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं मुला ने कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का मालिक फिर ओन ने कहा कि यह पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बावला है मूसा ने कहा कि मशरक और मगरब और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक बशरते कि तुमको समझ हो ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा उषा ने कहा खा मैं आपके पास रोशन चीज लाऊं, यानी मुआजाउन ने कहा अगर सच्चे हो तो उसे लाओ दिखाओ पर उन्होंने अपनी लाठी डाल दी तो वो उसी वक्त सरीह अजदहा बन गई और अपना हाथ जो निकाला तो उसी दम देखने वालों के लिए सफेद बुराक नजर आने लगा फन अपने गिर्द के सरदारों से कहा कि ये तो कामिल फन जादूगर है चाहता है कि तुमको अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे तो तुम्हारी क्या राय है उन्होंने कहा कि उसके और उसके भाई के बारे में कुछ तवक्कुफ कीजिए और शहरों में नकीब भेज दीजिए सब माहिर जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आए तो जादूगर एक मुकर्रा दिन की मियाद पर जमा हो गए और लोगों से कह दिया गया कि तुम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए कि अगर जादूगर गालिब रहे तो हम उनके पैरों हो जाए जब जादूगर आ गए तो फिराउन से कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा फिरौन ने कहा हाँ और तुम मुकर्रबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे मूसा ने उनसे कहा कि जो चीज डालनी चाहते हो डालो तो उन्हें अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहने लगे कि फिरौन के इकबाल की कसम हम जरूर गालिब रहेंगे मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो उन चीजों को जो जादूगरों ने बनाई थी निगलने लगी अब जादूगर सजदे में गिर पड़े और लगे कि हम तमाम जहान के मालिक पर ईमान लाए। तो मूसा और हारून का मालिक है ने कहा क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दू तुम उस पर ईमान ले आए बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है सो अनकरीब तुम उसका अंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और पांव अतराफ मुखालिफ से काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा उन्होंने कहा कुछ नुकसान की बात नहीं हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श देगा इसलिए कि हम अव्वल ईमान लाने वालों में हैं और मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रात को ले निकलो कि फिरौनियों की तरफ से तुम्हारा तकुब किया जाएगा फिरौनियों ने शहरों में नकीब रवाना किए और कहा कि ये लोग थोड़ी सी जमात है और ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं और हम सब बासाज और सामान हैं तुमने तो उनको बागों और चश्मों से निकाल दिया खजानों और नफीस से के साथ हमने इस तरह किया और उन चीजों का वारिस बनी इसराइल को कर दिया तो उन्होंने सूरज निकलते यानी सुबह को उनका ताकुब किया दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा के साथ ही कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए मूसा ने कहा हरगिज़ नहीं मेरा परवरदिगार मेरे साथ है वो मुझे रास्ता बताएगा उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी दरिया पर मारो तो दरिया फट गया और हर एक टुकड़ा यूं हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है और दूसरों को वहां हमने करीब कर दिया मूसा और, और उनके साथ वालों को तो बचा लिया दूसरों को डुबो दिया बेशक इस किस्से में निशानी है लेकिन ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है और उनको इब्राहिम का हाल पढ़कर सुना दो जब तो उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम किस चीज को पूछते हो कहने लगे कि हम बुतों को पूछते हैं और उनकी पूजा पर कायम हैं। इब्राहिम ने कहा कि जब तुम उनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं तुम्हें कुछ फायदा दे सकते या नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्होंने कहा नहीं बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है ने कहा, क्या तुमने देखा कि जिनको तुम पूछते रहे हो ही तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा भी मेरे दुश्मन है मगर खुदाए रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है जिसने मुझे पैदा किया है और वही मुझे रास्ता दिखाता है और वो जो मुझे खिलाता और पिलाता है जब मैं बीमार पड़ता हूं तो मुझे शिफा बख्शता है और वो जो मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा और जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि कयामत के दिन मेरे गुनाह बख्शेगा परिगार मुझे इल्म दानिश अता फरमा और नेकूकारों में शामिल कर और पिछले लोगों में, में मेरा जिक्र नेक जारी कर मुझे नेमत की बहिश्त के वारिसों में कर और मेरे बाप को बख्श दे कि वो गुमराहों में से है और जिन लोग उठा खड़े किए जाएंगे मुझे रसुआ न कीजिए जिन न माल ही कुछ फायदा दे सकेगा और न बेटे हाँ जो शख्स खुदा के पास पाक दिल लेकर आया वो बच जाएगा और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी अब दोजख गुमराहों के सामने लाई जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि जिनको तुम पूछते थे वो कहाँ हैं यानी जिनको खुदा के सिवा पूछते थे क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद बदला ले सकते हैं वो और गुमराह यानी बुत और बुतपरस्त औंधे मुंह दोजक में डाल दिए जाएंगे शैतान के लश्कर सब के सब दाखिले जहन्नम होंगे वह आपस में झगड़ेंगे और कहेंगे कसम हम तो सरीह गुमराहि में थे कि तुम्हें खुदाए रबालमीन के बराबर ठहराते थे और हमको उन गुनाहगारों ही ने गुमराह किया था आज ना कोई हमारा सिफारिश करने वाला है और ना गर्म जोश दोस्त काश हमें दुनिया में फिर जाना हो तो हम मोमिनों में हो जाए बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है और ने भी को लाया। जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं मैं तो तुम्हारा अमानत दार पैगंबर हूं खुदा से डरो और मेरा कहा मानो और इस काम का तुमसे सिला नहीं मांगता मेरा सिला तो खुदाए रब्बुलमीन ही पर है तो खुदा से डरो और मेरे कहने पर चलो वो बोले कि क्या हम तुमको मान लें और तुम्हारे पैरों तो रजील लोग हुए हैं कहा काश तुम मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूं मैं तो सिर्फ खोल खोल कर नसीहत करने वाला हूँ कहा कि नूह अगर तुम बाज ना आओगे तो संसार कर दिए जाओगे कहा कि परवरदिगार मेरी कौम ने तो मुझे झुटला दिया मेरे और उनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको बचा ले हमने उनको और जो उनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया फिर उसके बाद बाकी लोगों को डुबो दिया बेक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है आपने भी पैगम्बरों को झुठलाया जिनसे उन उनके भाई हूद ने कहा क्या तुम डरते नहीं मैं तो तुम्हारा अमानत दार पैगम्बर हूँ तो खुदा से डरो और मेरा कहा मानो और मैं इसका तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता मेरा बदला खुदाए आलमीन के जिम्मे है रहोगे और किसी को पकड़ते हो तो जालिमाना पकड़ते हो तो खुदा से डरो और मेरी इताअत करो और उससे जिसने तुमको उन चीजों से मदद दी जिनको तुम जानते हो डरो तुम्हें चार पायों और बेटों से मदद दी और बाघों और चश्मों से मुझको तुम्हारे बारे में बड़े सख्त दिन के अजाब का खौफ है वो तो कहने लगे हमें खानसीयत नसीहत करो या न करो हमारे लिए यकसा है वो तो अगलोही के तरीक है और हम पर कोई अजाब नहीं आएगा तो उन्होंने हूद को झुठलाया सो हमने उनको हलाक कर डाला बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है और में समूद ने भी पैगम्बरों को झुठलाया जब से उनके भाई सॉलेह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं मैं तो तुम्हारा अमानत दार पैगम्बर हूँ तो खुदा से डरो और मेरा कहा मानो और मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता मेरा बदला खुदाए रबुलमीन के जिम्मे है जो चीजें तुम्हें यहाँ मयसर है उनमें तुम बेखौफ छोड़ दिए जाओगे यानी बाघ और चश्मे और खेतियां और खजूरें जिनके खोशे लतीफो नाजुक होते हैं और लुफ से पहाड़ों में तराश तराश कर घर बनाते हो वो तो खुदा से डरो और, और मेरे कहे पर चलो और हद से तजावज करने वालों की बात ना मानो जो तो मुल्क में फसाद करते हैं और इसलाह नहीं करते वो कहने लगे कि तुम तो जादू जदा हो तुम और कुछ नहीं हमारी ही तरह के आदमी हो अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो ताले ने कहा देखो ये ऊटनी है एक दिन इसकी पानी पीने की बारी है और एक मुआन रोज तुम्हारी बारी है और तो कोई तकलीफ न देना नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा तो उन्होंने उसकी कूचे काट डाली फिर नादिम हुए तो उनको अजाब ने आ पकड़ा बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे और हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है और लूत ने भी पैगम्बरों को झुटलाया जिससे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते मैं तो तुम्हारा हूं। खुदा से डरो और मेरा कहा मानो और तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता मेरा बदला खुदा के जिम्मे है क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर मायल होते हो? कहने लगे कि लूत अगर तुम बाज ना आओगे तो शहर बद्र कर दिए जाओगे लूत ने कहा कि मैं तुम्हारे काम से सख्त बेजार हूँ मेरे परवरदिगार मुझको और मेरे घर वालों को उनके कामों के बबाल से नजात दे तो हमने उनको और उनके घर वालों को सबको नजात दी तो हमने उनको और उनके घर वालों को सबको नजात दी बुढ़िया के पीछे रह गई फिर हमने औरों को हलाक कर दिया उन पर मेह बरसाया सो जो मैं उन लोगों पर बरसा जो डराए गए थे वो बुरा था बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है बन के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुटलाया उनसे शोएब ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं मैं तो तुम्हारा अमानत दार पैगम्बर हूँ तो आज से डरो और मेरा कहा मानो मैं इस काम का तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता मेरा बदला तो खुदाए आलमीन के जिम्मे है देखो पैमाना पूरा भरा करो और नुकसान न किया करो और आजू सीधी रख कर तोला करो लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो और मुल्क में फसाद न करते फिरो और उससे डरो जिसने तुमको और पहली खलकत को पैदा किया वो कहने लगे कि तुम जादू जदा हो तुम और कुछ नहीं हम ही जैसे आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो असच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ शेब ने कहा कि जो काम तुम करते हो मेरा परवरदिगार उससे खूब वाकिफ है तोगों ने उनको झुठलाया बस साहिबान के अजाब ने उनको आ पकड़ा बेशक वो बड़े सख्त दिन का अजाब था इसमें यकीन निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है और ये कुरान खुदाए परवरदिगार आलम का उतारा हुआ है इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा है यानी उसने तुम्हारे दिल पर इल्का किया है ताकि लोगों को नसीहत करते रहो इल्का भी फसीह अरबी जबान में किया है और ये खबर पहले पैगम्बरों की किताबों में लिखी हुई है क्या उनके लिए ये सनद नहीं है कि किलमाए बनी इसराइल इस बात को जानते हैं अगर हम इसको किसी गैर अहल जबान पर उतारते वो इसे उन लोगों को पढ़कर सुनाता तो ये इसे कभी ना मानते इसी तरह हमने इनकार को गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर दिया जब तक दर्द देने वाला अजाब न देख ले उसको नहीं मानेंगे वो उन पर नागहा आवाक होगा और उन्हें खबर भी ना होगी वक्त कहेंगे क्या हमें मोहलत मिलेगी क्या ये हमारे आग, ये हमारे आपको जल्दी तलब कर रहे हैं देखो तो अगर हमको बरसों फायदे देते रहें उन आवागों जे वाता है। तो फायदे ये उठाते रहे उनके किस काम आएंगे और हमने कोई बस्ती हालात नहीं की मगर उसके लिए नसीहत करने वाले पहले भेज देते थे कि नसीहत कर दें और हम जालिम नहीं है कुरान को शैतान लेकर नाजिल नहीं हुए या ना तो उनको सजावार है और ना वो इसकी ताकत रखते हैं आसमानी बातों के सुनने के मकाम से अलग कर दिए गए हैं तो खुदा के सिवा किसी और मबूद को मत पुकारना वरना तुमको अजाब दिया जाएगा और करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो और जो मोमिन तुम्हारे पैरों हो गए हैं उनसे बतावाजो पेश आओ अगर लोग तुम्हारी नाफरमानी करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे अमाल से बेतु हूं और खुदाए गालिब और मेहरबान पर भरोसा रखो तुमको जब तुम तहजद के वक्त उठते हो देखता है नमाजियों में तुम्हारे फिरने को भी बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है अच्छा मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं जो सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं और कहते वो हैं जो करते नहीं إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے और अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इंतकाम लिया और जालिम अनकरीब जान लेंगे कि कौन सी जगह लौट कर जाते हैं